Hey y'all, come look at this. Wait a minute. Who are you? No! God, please, no! 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 क्या गुंडा बनेगा रे तू? सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो सब लोग? यार होप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। कैसे चल रहा है आप लोगों का रैंक पुश फॉरवर्ड से कमेंट सेक्शन में बता दो। मेरा तो भाई अभी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया चल रहा है, क्योंकि मैंने एक यहाँ पे रूल फॉलो करना शुरू कर दिया। वो है भाई, नॉर्मली रैंगल मोड मत खेलो। मतलब तुम लोग खेल सकते हो, मैं तुम्हें ऐसे मना नहीं कर रहा, लेकिन भाई मैं तो नहीं खेल रहा यार। उसमें भाई हर मैच में हैकर और इतने गंदे गंदे हैकर, एंड भाई उसमें भाई वही बंदा खेल सकता है जो कि भाई जोन के बाहर सर्वाइव करे। मैं भी वैसे खेलता था पहले, लेकिन अब भाई कॉन्क्रीट की आदत होगी एंड अब भाई वैसा मैं नहीं खेल पाऊंगा। इसीलिए भाई मैं मीरामार में आ गया। यहाँ पे मैच थोड़े सही जा रहे हैं, मतलब हैकर्स इसमें भी आ रहे हैं, लेकिन भाई मैच ठीक ठाक निकल जा रहे हैं। थोड़ा बहुत प्लस भी मिल रहा है, उतना ज़्यादा प्लस तो नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब काम चल सकता है। तो यहाँ पे देखो, इस मैच में क्या हुआ था कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मैच मेकिंग की थी, टीम अप नहीं कर रहे थे, ठीक है, बस मैचिंग की थी। हम भाई लॉबी से बाहर निकलते गेम स्टार्ट कर दिया, एंड भाई लकीली हम चारों के चारों यहाँ पे मैच में आ गए, ठीक है। तो अभी हम पता नहीं, हमको नहीं पता कि भाई कौन कौन कहाँ कहाँ पे उतरा है, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। तो भाई हम चारों इस मैच में देखते हैं भाई लास्ट तक हम लोग बच पाते हैं, कौन कौन बच पाता है, भाई कौन यहाँ पे चिकन निकाल के ले जाता है, ठीक है। तो देखो, मैं सबसे पहले तो पिकाडो उतरा था, पिकाडो मैंने मेन बिल्डिंग उतरना था, लेकिन भाई फिर मेरा प्लान बदलता है, अगर भाई हैकर वगैरह आया होगा तो भाई वो मेन बिल्डिंग ही आएगा। तो इसीलिए भाई मैं यहाँ पे रेड बिल्डिंग में आ गया, ठीक है। भाई यहाँ पे एरिना में उतरा होता है एक बंदा, एंड किसी के मुझे यहाँ पे फुटस्टेप्स आते हैं, तो देखना। यहाँ पे भाई एक बॉट था, एंड इसको मारने के लिए बंदा भी कूदा था, लेकिन भाई मैंने इस बंदे को भी डैमेज दिया एंड बॉट को किल कर दिया, एंड इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था, लेकिन भाई इसने यहाँ पे मेरे को भी डैमेज कर दिया। इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा पिक नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे निकल गया था कि भाई ये नीड वगैरह ना कर सके, अपनी हेल्थ वगैरह मैंने कंप्लीट करी। तो भाई अब मुझे पता था कि ये बंदा अभी तक वहीं पर है, मतलब गया नहीं है वहाँ से। तो मैं वापस यहाँ पर आ गया, टीपीपी लेने लग गया। तो देखो भाई, इस बंदे को भी उसी टाइम वापस जाना था जब मैं यहाँ पे पहुँच गया था, ठीक है। ये बंदा बिल्कुल अपने वापस जा रहा था एरिना में, लेकिन भाई हमने इसको यहाँ पे किल कर दिया इजीली। अभी भी भाई पूरा पिकाडो यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। तो उतने में ही मुझे भाई ऊपर से किसी के यहाँ पे फायरिंग की साउंड सुनाई देती। यहाँ पे एक बंदा देखो, इसको यहाँ पे मैंने सिंगल M4 पे दो हेड देके यहाँ पे किल कर दिया। ये बंदा नीचे, इसको किसी को देख रहा था नीचे, एक्चुअली किसी ने फ्लेयर मंगवाई थी, ये बंदा उसके लिए यहाँ पे एम करके बैठा होगा, एंड भाई इसको यहाँ पे हमने किल कर दिया। एंड यहाँ पे देखो भाई, एक और गाड़ी यहाँ पे लग गई, एंड एक और बंदा यहाँ पे तुम्हें पहाड़ी पे दिख रहा होगा, देखना। मैं भाई इसका हेड लेने का वेट कर रहा हूँ, लेकिन भाई मुझे यहाँ पे 4x से उतना ज़्यादा बड़ा दिख नहीं रहा है, ठीक है, बहुत दूर है ये, कम से कम 300-400 मीटर है। तो भाई मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि भाई हेड कनेक्ट हो तो मज़ा आए, लेकिन भाई ये हेड लग नहीं रहा था इस बंदे को, एंड भाई मुझे यहाँ पे डर लग रहा था कहीं मुझे पीछे से ना पड़े ब्लू बिल्डिंग या फिर कहीं और से, ठीक है। भाई लास्ट टाइम क्या होता है ना, मुझे इस बंदे का हेड को छोड़ के कोई और बॉडी पार्ट दिख ही नहीं रहा था। तो देखना, ये बिल्कुल अपनी तरफ से यहाँ पे कवर में बैठा होगा, लेकिन भाई मुझे इसका हेड दिख रहा था, हेलमेट थोड़ा सा, लेकिन और कुछ भी नहीं दिख रहा था इसका बॉडी का, सिर्फ हेड दिख रहा था। इसका हमको भाई यहाँ पे फायदा मिल गया, एंड भाई इसी के साथ यहाँ पे हमारे 4 किल हो गए। अब भाई यहाँ पे क्या होता है, मैं मस्त एकदम लूट कर रहा था ना, एंड उतरे में यहाँ पे मुझे एक गाड़ी की साउंड सुनाई देती है। पहले तो मैं इसको मारने के लिए जा रहा था, लेकिन फिर ये बंदा क्या करता है, हॉर्न बजाता है, ठीक है। तो मैं समझ गया कि भाई ये बंदा अपना ही कोई टीम मेट है, ठीक है, जिनके साथ हमने मैचिंग करी थी, जो अपने दोस्त थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भाई इससे ऑल पे बात करता हूँ, तो मैं समझ गया ये राइजन है, ठीक है। तो मैं इससे ऑल पे बात करता हूँ, ये बंदा भाई मेरे लिए यहाँ पे AWM लेके आया था, जो कि भाई बहुत ही अच्छी बात है। ये देखो ब्रोम, तुम्हारा कंटेंट है ब्रो। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। M4 दो। क्या राजा भोसड़ी क्या है? M4 दो यार, ऐसे करोगे तो मैं नहीं आ रहा, ऐसे नहीं करोगे। अरे तू जा रही? वाओ भाई, ठीक है भाई। तो भाई राइजन से ओम लेने के बाद इसको हम थैंक यू बोल के यहाँ से भेज देते हैं, एंड भाई ये यहाँ से निकल जाता है पिकाडो से। एंड भाई किस्मत यहाँ पे हमारी इतनी सेक्सी थी ना कि भाई जोन अभी तक यहाँ पे पिकाडो में ही बना था, वो भी एकदम सेंटर, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पे दो दोस्त मर गए थे, ठीक है, जो ओम देने आया था वो भी मर गया था, ठीक है। तो अब एक ही है यहाँ पे भाई, प्रिंस भाई जिंदा है अभी तक, ठीक है। तो उनका भाई यहाँ पे किल फीड में नाम आया था थोड़ी देर पहले, तो मैं समझ गया कि भाई अभी जिंदा है वो। भाई मैं तो यहाँ पे अपनी बैल्कनी में बैठा हुआ था, एंड जो मेरे साथ वाली रेड बिल्डिंग होती है ना, उस रेड बिल्डिंग में भी यहाँ पे बग्गी आ गई थी। तो मैं समझ गया था कि भाई यहाँ पे भी बंदा आ चुका है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा फुटस्टेप्स दे नहीं रहा था, एंड भाई इस बंदे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसकी साथ वाली बिल्डिंग में यहाँ पे बंदा है। तो अभी देखना थोड़ी देर में ये क्या हरकत करेगा। तो भाई ये बेचारा यहाँ पे नीचे किसी को मारने के लिए पीक करने लगा, एंड भाई जैसे ही इसने यहाँ पे हेड दिखाया वैसे भाई हमने इसको किल कर दिया। इसको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि भाई इसके पीछे यहाँ पे भाई इसकी मौत बैठी हुई है। तो देखो अब मैं इसकी पेटी के पास आ जाता हूँ, ठीक है। एंड जोन यहाँ पे नहीं था, थोड़ा सा आगे था, किस्मत ख़राब अपनी, 11 मीटर दूर था, लेकिन चलो कोई बात नहीं।
मैं भाई अपनी पार्किंग से यहाँ पे ट्रक निकालता हूँ। देखो मैंने ट्रक कितना ज़्यादा सेफ करके रखा है, मतलब इस जगह वही वही फोड़ भी नहीं सकता कोई मेरी गाड़ी को, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी गाड़ी निकालता हूँ भाई, जोन में आके लगा देता हूँ। जोन में ये मस्त एरिया था, ठीक है। मैं बिल्कुल जोन के कॉर्नर में बैठा था, मुझे यहाँ पर डर लग रहा था कि कोई भाई मुझे यहाँ पे कैसीनो से ना मार दे, लेकिन भाई कैसीनो में कोई बंदा होता नहीं है भाई। यहाँ पे सामने से मुझे किसी बंदे के यहाँ पे फुटस्टेप्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई एक्सूट देख के मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगा कि प्रिंस भाई हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी फाइट लेने में यहाँ पे मजा आएगा, लेकिन भाई इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मेरे ऊपर भाई मॉली डाल दी, जिस वजह से कि भाई मैं सामने नहीं घुस पाया, ठीक है। एंड भाई मॉली डाल के ये बिल्कुल अपने अंदर घुस गए, तो ये अभी ऊपर वाले फ्लोर पर है एंड भाई मैं यहाँ पे नीचे वाले में हूँ, दूसरी वाली बिल्डिंग में, ठीक है। अब भाई जितने में मैं घर के अंदर पहुँचा ना, ये भाई घर से नीचे कूद चुके थे एंड अभी भाई देखना भाई क्या होता है। भाई जैसे ही किल फीड आता है मैं समझ जाता हूँ कि भाई लास्ट ही है, तो मैं सीधा पुश करता हूँ, देखना। एंड भाई यहाँ पे मेरा एम ना नेक्स्ट लेवल हैगा, तुमने देखा होगा भाई यहाँ पे लेफ्ट राइट के चक्कर में मेरी भाई बुलेट ही टच नहीं हुई बिल्कुल, यहाँ पे सारी फैल गई, लेकिन भाई फिर भी हमने यहाँ पे किल कर दिया, बिल्कुल मेरी यहाँ पे 1 SP हो गई थी। एंड इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पे 5 किल्स के साथ चिकन डिनर हो गया एंड इस गेम में हमें मिला था 25+, ठीक है। कौन बोलता भाई मेरा हमारे प्लस नहीं होता, भाई हो जाता यार। अब आ जाते हैं अपने इरेंगल वाले गेम प्ले की तरफ। यहाँ पे देखो 18 अलाइव एंड 0 किल है। मैं यहाँ पे बग्गी के कवर डासिया के कवर में लेटा हुआ एंड यहाँ पे भाई सामने जो पत्थर होता है यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, जिसकी तुम्हें थोड़ी थोड़ी बॉडी दिख रही थी। मेरे पास AWM थी इसलिए मैं डर नहीं रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई एकदम से हेड दिखे तो भाई मजा आ जाए, लेकिन भाई ये बंदा पीक कर नहीं रहा था, शायद इसको पता था कि मेरे पास AWM थी। मैं भाई काफी देर से यहाँ पे अपनी डासिया के कवर में लेटा हुआ था, लेकिन भाई ये बंदा पीक करने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अब देखना, जब भाई इसने काफ़ी देर तक देखा कि भाई ये बंदा यहाँ से निकल ही नहीं रहा था, तो भाई इसका भी यहाँ पे पेशेंस लेवल खत्म हो गया होगा, तो इसने मारने के लिए पीक करा एंड भाई यहाँ पे हमने इसको इजीली किल कर दिया AWM से एक ही शॉट में। अब भाई यहाँ पे देखना, मैं गाड़ी चेंज करने रुकता हूँ एंड मेरे साथ क्या ही सीन होंगे, तुम लोग देखना अभी। बंदा भाई कहाँ पे व्हीकल कैंप लगा के बैठा हुआ था, मुझे भाई बिल्कुल भी आइडिया नहीं था एंड अच्छा हुआ इसने भाई यहाँ पे मुझे डैमेज नहीं दिया, नहीं तो इजीली किल कर सकता था एंड इसने मेरी पूरी गाड़ी तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो फोड़ दिया, ठीक है। एंड भाई गाड़ी की हेल्थ भी यहाँ पे लो होगी एंड मैं भाई जोन में भी नहीं जा सकता इस टूटी हुई गाड़ी के साथ, मतलब बहुत ही कम हेल्थ थी इसकी, ठीक है। एंड भाई देखो इस मैप में क्या होता है ना, तुम लोग जोन के बाहर भी नहीं रुक सकते, जोन भी बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। तो अब देखो मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ स्क्वाड हाउस में एंड भाई मुझे सामने वेयर हाउस में एक मैकलैरन दिखती है एंड भाई जो लेफ्ट में एक और घर होता है यहाँ पे क्या दिखता है मुझे एक बंदा, ठीक है। तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ पे बंदा है एंड भाई इसकी मैकलैरन मुझे किसी भी हाल में लेनी है एंड भाई इसको मारे बिना तो भाई मैं वो ले नहीं सकता। तो देखो भाई अभी ये बंदा घर के अंदर है, तो मैं भाई यहाँ पे अभी ट्राई करता हूँ कि भाई ओम से अगर किल मिल जाए तो भाई बढ़िया रहेगा। तो तुम्हें देखो यहाँ पे ये ब्रोकन वॉल के पास आ गया अभी, ठीक है। तो मैं इसके सामने ओपन में बैठ गया हूँ ताकि ये भाई मुझे मारने के लिए पीक करे एंड भाई जैसे ही मुझे मारने के लिए पीक करे वैसे ही मैं मारूँ, लेकिन भाई ये क्या दिमाग लगाता है, ये लेट लेट के अपनी थोड़ी राइट साइड चला जाता है कि भाई इसको लग रहा था कि भाई मुझे क्या ही पता चलेगा, लेकिन भाई मैंने यहाँ पे इसको देख लिया एंड भाई देखना यहाँ पे स्मोक कर लेता है पहले तो एंड भाई बिल्कुल राइट चला जाएगा, बिल्कुल ही राइट, ठीक है। एंड वहाँ से पीक करेगा हल्की सी एंड मैं इसको देख लेता हूं, तुम लोग देखना भाई अभी क्या होता है। तो बोला था ना ये बिल्कुल ही राइट चला जाएगा अपनी वाली तरफ, मतलब मेरी लेफ्ट एंड भाई मैं भाई बिल्कुल हैरान हो गया बंदे का दिमाग देख के। ये पहले तो वहीं पे लेटा हुआ था लेकिन भाई लेट लेट के भाई एकदम दूसरी तरफ चला गया एंड भाई अगर मुझे दिखा नहीं होता तो भाई ये मुझे इजीली मार भी सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई 1 सेकंड में यहाँ पे जोन चलना शुरू हो गया, तो भाई मैं उसकी मैकलैरन ले लेता हूँ एंड भाई उसकी मैकलैरन लेके यहाँ पे रिज के पास आ जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी देर अभी जोन था, मतलब जोन चलना स्टार्ट नहीं हुआ था, अगला जोन तो यहाँ पे नहीं बना था, ठीक है। मैं देख रहा था कि भाई सामने किसी का हेड दिखे तो भाई AWM से हम किल करें, लेकिन भाई कोई यहाँ पे दिखा नहीं रहा था अपना हेड एंड भाई मुझे यहाँ पे पीछे की तरफ से एक बंदा जोन में आता हुआ दिख जाता है। तो देखना अभी क्या होता है। तो एक यहाँ पे बॉडी पड़ा AWM का एंड बाकी M4 का एंड ये बंदा इजीली किल हो गया। तो अब भाई यहाँ पे जोन चलना स्टार्ट हो गया था इसीलिए मैंने अपनी मैकलैरन उठाई एंड भाई इस रिज के पास आके रुक गया। मुझे एरिया सेफ लग रहा था इसलिए मैं यहाँ पे आके लेट गया, ठीक है। लेकिन भाई यहाँ पे बदकिस्मती से अगला जोन भी यहाँ पे नहीं था, तो भाई मैं वहाँ से भी मैकलैरन उठाता हूँ एंड भाई यहाँ पे अगले जोन में आ जाता हूँ एंड ये जोन भाई बिल्कुल मस्त पोजीशन मुझे मिल गई है। मतलब अगर अगला जोन यहाँ पे बन जाता ना तो मज़ा ही आ जाता, लेकिन भाई अगला जोन यहाँ पे बनता नहीं है, लेकिन तब तक के लिए ये पोजीशन एकदम जहर है, ठीक है। यहाँ से मैं किल्स वगैरह भी निकाल सकता हूँ एंड अभी तुम लोग देखना भाई निकालता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे हल्का सा बंदा दिखा लेकिन भाई इसको हमने थोड़ा स्प्रे देने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब भाई देखो 10 सेकंड से यहाँ पे भी जोन निकलने वाला है 10 सेकंड के अंदर ही, तो मैं सामने एक स्मोक कर देता हूँ कि भाई सामने कोई बैठा ना हो एंड भाई यहाँ पे फुल बूस्ट मार के अपनी मैकलैरन उठाता हूँ एंड भाई सीधा जोन में निकल जाता हूँ। देखना अभी क्या होता है। यहाँ पे जब मैं जोन में जा रहा होता हूँ तो पहले तो भाई यहाँ पे मेरी मैकलैरन ठुक जाती है, लेकिन अच्छा हुआ यहाँ पे पलटी नहीं। अब देखना भाई मैं बिल्कुल यहाँ पे 1 HP हो गया, तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। एंड भाई मैंने यहाँ पे बिना हेल्थ लगाए सीधा सबसे पहले तो जोन के अंदर घुसा, ठीक है।
तो यहाँ पे ना एक बंदा ऑलरेडी है, लेकिन जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे भाई मुझे एरिया मिल जाता है हेल्थ किट लगाने के लिए। एंड भाई यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए सेफ हूँ। एंड भाई मेरे पास लेवल 3 का हेलमेट जो था ना वो बिल्कुल ही डैमेज हो गया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेवल 2 का मंगवा लेता हूँ, क्योंकि लेवल 3 का तो मैंने एक बार मंगवा लिया था तो मैं दोबारा नहीं मंगवा सकता। तो मैंने सोचा कि भाई पूरे लेवल 3 के डैमेज से तो भाई लेवल 2 का फ्रेश हेलमेट यहाँ पे सही है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ जाता कि भाई दूसरा बंदा यहाँ पे कहाँ है जो अंदर बैठा हुआ था, ठीक है। चार बंदे टोटल अलाइव हैं एंड यहाँ पे मुझे सिर्फ एक की पोजीशन अभी पता है, जो कि भाई यहाँ पे मेरे सामने। तो मैंने सोचा ना अगर मैं मॉली डालूंगा तो मॉली फैलेगी एंड कहीं ना कहीं इसको टच जरूर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं वैसे ही करता हूँ, मॉली यहाँ पे डाल देता हूँ। तो देखना अभी मुझे भाई यहाँ पे भाई थोड़ी सी आग दिखती है, मतलब राइट साइड मुझे किसी की बॉडी दिखती है जो कि जली हुई थी, ठीक है। तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ पे बंदा पहुँच चुका है एंड भाई रेंग रेंग के, मतलब इसको मॉली लगी तो भाई बंदा यहाँ पे रेंग रेंग के चला गया। देखना भाई इसको तो यहाँ पे अभी हमने किल कर दिया ना, अब यहाँ पे 3 बंदे अलाइव हैं। अब मेरा यहाँ पे क्या प्लान था ना, पीछे किसी ने दूसरे बंदे को मार दिया एंड भाई इस एरिया में कोई यहाँ पे पुश नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे भाई हर तरफ से जोन ने घेरा हुआ था एंड भाई यहाँ पे कोई भी पुश नहीं कर सकता। तो मेरा प्लान क्या था कि भाई यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हील बैटल करूँगा, ठीक है। तो मैंने इसकी क्रेट से जितनी ज़्यादा हेल्थ किट हो सकती थी, बूस्टर हो सकते थे, मैंने सबके सब उठा लिया एंड तुम लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा हेल्थ किट है। तो भाई मैं हील बैटल तो यहाँ पे आराम से जीत सकता हूँ, लेकिन भाई हमारे जो यहाँ पे एनिमी भैया थे इनका कुछ अलग ही प्लान था। देखना भाई ये क्या करता है बंदा। अब भाई दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो इस बंदे के पास हील बैटल करने के लिए उतनी ज़्यादा हेल्थ किट नहीं थी एंड या फिर भाई ये बंदा ओवर कॉन्फिडेंस में था क्योंकि इसके पास ग्रोज आती। तो भाई मुझे नहीं पता क्या सीन था, लेकिन भाई इसको हमने यहाँ पे किल कर दिया इजीली एंड भाई हमारे यहाँ पे 5 किल के साथ चिकन डिनर हो गया एंड भाई मज़ा आ गया इस गेम में। एंड ये गेम थोड़ा पुराना है उसके लिए सॉरी, क्योंकि भाई मैंने अभी तुम्हें बताया कि भाई मैंने खेलना जो है इरेंगल बंद कर दिया, फ्लोरा वाला मोड भी एंड दूसरा वाला मोड भी। एंड भाई अभी मैं खेल रहा हूँ ओनली मीरामार, ठीक है। मीरामार में हैकर्स आ रहे हैं लेकिन भाई उतने नेक्स्ट लेवल भी नहीं, मतलब एक मैच में एक दो हैकर होंगे, ज़्यादा हैकर नहीं होंगे जैसे इरेंगल में होता। भाई इरेंगल में तो अलग ही लेवल, मतलब मैं नहीं समझा सकता उसका क्या हाल है। उस वहाँ पे इरेंगल का ऑप्शन नहीं होता जहाँ पे मैप डिलीट होते हैं, नहीं तो भाई मैं इरेंगल कब का डिलीट कर चुका होता भाई, इतना ज़्यादा गंद मचाया हुआ है। तो चलो यार क्या कर सकते, होप तुम लोगों को गेम प्ले पसंद आए होंगे, दोनों मीरामार वाला भी एंड ये वाला भी। एंड भाई वीडियो का लाइक है मैंने तुम्हें बताया नहीं, 1.3 के लाइक्स फटाफट से कंप्लीट करवा देना, ठीक है। एंड चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब भी मार देना ऐसी मस्त मस्त वीडियोज़ यहाँ पे देखने के लिए। एंड भाई अपना रैंक एंड टीयर भाई क्या चल रहा है तुम्हारा फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, शायद मैं भी बताना भूल गया। मैं अभी यहाँ पे डायमंड 1 के 50 या 60 पॉइंट्स मेरे हो चुके हैं, ठीक है। एंड शायद जब तक तुम वीडियो देख रहे हो तब तक मेरा क्राउन 5 लग चुका होगा, ठीक है। एंड क्राउन 5 यहाँ पे आई थिंक हाँ क्राउन 5 मेरा लगने वाला है, शायद 30-40 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। एंड मेरा रैंक चल रहा है अभी 9000-8000 के आसपास, मैंने देखा नहीं ज़्यादा ध्यान से, इतनी जल्दी देख के करना भी क्या है, ठीक है। तो क्राउन 5 मेरा हो चुका है, तुम लोग अपने बारे में बता देना कि भाई क्या रैंक वगैरह क्या टीयर वगैरह चल रहा है एंड भाई तुम कौन सा मैप यहाँ पे अभी प्रेफर कर रहे हो, ठीक है। एंड भाई कोई प्रॉब्लम हो तुम लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो एंड भाई वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पे भी मस्त मस्त वीडियोज़ डालता रहता हूँ। तो बस यार यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ़।